छोटे मोटे लेक्चर वगैरह तो आपने 10th और 12th में भी किया होगा, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पीच एडिशन का, ओके। तो जब हम दो केमिकल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ऑन दैट टाइम पे क्या होता है कि जब दो केमिकल को हमने मिक्स किया तो कुछ कलर चेंज भी आपको दिखता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑब्वियसली कलर चेंज दिखेगा, और सम टाइम क्या होता है कुछ इमिशन ऑफ द गैसेस भी होते हैं, कोई गैस इमिट करता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो अगर सेम चीज हमने अपने फिजिकल लैब में परफॉर्म किया, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और एक गैस एमिट हो रही है, और सपोज करिए कि उस पर्टिकुलर गैस के फ्रेग्रेंस को आपको क्या करना है, स्मेल करना है, स्मेल करके बताना है। तो अगर ये सेम चीज हम अपने लैब में कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट इज इट पॉसिबल वर्चुअली कि आपका मोबाइल फोन लैपटॉप या पीसी कोई गैस एमिट करके देगा आपको, आप उसको स्मेल कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। So, what I mean to say that the real-time hands-on experience we gain in physical lab, nothing can beat that. Even we are from the team of virtual lab, but we need